We are going to discuss the mean value theorem for the composite functions जो हैं उनके लिए mean value theorem जो है वो state भी करेंगे और proof भी करेंगे. Before going to prove the mean value theorem, I just have to make a remark. Let's see what is that remark. For a composite function of this form, this is also considered, could be considered as a composite function because each xi, अब यहाँ पे g जो है वो क्या है, जी जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया है अब x से, x क्या है आपका x1, x2, xn और ईच x1 इज अ फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी डोमेन जो है R है. ठीक है, तो f जो है मेरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है और f कहां से है, Rn से R पे है. तो मेरा कंपोजिट फंक्शन कहां से हुआ, R से R पे हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ. तो सो रियल वैल्यूड फंक्शंस कुड बी डिफाइंड बाय यूजिंग फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड बाय ऑफ कोर्स कंपोजिशन यूज करके. अब अगर ये हो फॉर अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म वेयर t इज अ रियल वेरिएबल, x1, x2 एंड xn आर फंक्शंस ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल एट t इक्वल्स t नॉट एंड f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल्स x of t naught, okay? F जो है x naught पे differentiable है. We have first derivative of that real valued function equals summation partial derivative of f जो के function of several variable है evaluated at x naught जो के x of t naught है और each function जो के each component है इसका first derivative जिसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव अब यूज नहीं कर रहा. तो ये जस्ट जो है चेन रूल उसी को ही एक खास किस्म के फंक्शंस के लिए जस्ट मैंने रिमार्क से आपको एक्सप्लेन किया. नाउ वी हैव द मीन वैल्यू थ्योरम. लेट एफ बी कंटिन्यूस एट एक्स वन और एक्स टू. एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट्स हैं डोमेन में, उन पे कंटिन्यूस है एंड डिफ्रेंशिएबल ऑन द लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट पे डिफ्रेंशिएबल भी है from x1 to x1. So there must exist some x0 on that line such that f of then f of x2 minus f of x1, mean value theorem yahi hota hai, differential of x2 minus x1. So differential f dash x c jo hota hai, mean value theorem kya hai, one variable mein, let me recall you कि अगर f a b पे डिफाइंड है, इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल a b और f जो है क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, देन f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a इक्वल्स f डैश ऑफ c एंड c इज बिटवीन a एंड b. अब फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल है हमारे पास, तो हम डोमेन तो हमारी उस काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो हमने दो पॉइंट्स लिए x1 एंड x2. ठीक है, और उन x1 और x2 की जो लाइन सेगमेंट है x2, उस पे ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये डिफरेंशिएबल है. और सो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम x0 बिटवीन x1 एंड x2 सच दैट f of x2 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं अगर इधर ले आऊं, x2 minus x1 equals, और यहां पे क्या बचेगा, differential of f evaluated at x0 where x0 is between x1 and x2 on the line. ठीक है, तो ये actually exactly वो ही नहीं बन रहा function of one variable वाला जो mean value theorem हमने discuss किया था. Simple, क्या चीज नहीं है कि first derivative has been replaced by the differential, इसीलिए हम कर रहे हैं. अब इसको साबित करते हैं. An equation of L x1 और x2 के दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन है उसकी इक्वेशन जो है वो हमने फंक्शन ऑफ सेवरल, इसी कोर्स के शुरू में देखी थी कि किस तरह लिखते हैं. पैरामेट्रिक फॉर्म वो ये है, t इक्वल्स जीरो अगर पुट करें हम तो मेरे पास x1 पॉइंट आ जाएगा, t इक्वल्स वन अगर मैं पुट करूं तो x2 पॉइंट आ जाएगा. सो एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1 will give us the point on that line segment. In fact, जब line segment मैंने
डिफाइन किया था. आर हाइपोथेसिस इंप्लाइड दैट द फंक्शन एच ऑफ टी, इसीलिए मैंने आज के मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में एच ऑफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन कंपोजिटली डिफाइंड बाय एफ एक्स ऑफ टी, इसका रिमार्क से चेन रूल अप्लाई करना रिमार्क में पहले बताया था, इज कंटिन्यूस ऑन 0, 1. ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, ये कंटिन्यूस है 0, 1 पे और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 0, 1. सो दिस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम विच वी हैव डिस्कस्ड इन एनालिसिस 1. सिंस ईच एक्स आई टी इक्वल्स टी एक्स आई 2 प्लस 1 माइनस टी एक्स आई 1, ये जो है ये ट्रू है, क्योंकि हमने ये लाइन सेगमेंट हमारे पास इस तरह का है, तो एक्स आई टी इस तरह सेटिस्फाई करेगा. वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके इक्वल होगा हमारा कंपोजिशन चेन रूल जो मैंने अभी रिमार्क आपको बताया था, वो इसके इक्वल है. पार्शियल डेरिवेटिव समेशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ईच फंक्शन एक्स 1, 2, 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ एक्स आई 2 माइनस एक्स आई 1. अब इसको जो है ये मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आई मस्ट हैव एच ऑफ 1 माइनस एच ऑफ 0 टी नॉट बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट 1 माइनस 0 इक्वल्स एच डैश ऑफ टी नॉट फॉर सम टी नॉट बिटवीन 0 एंड 1. सिंस एच 1 जो है कंपोजिशन फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल है, एच नॉट जो है एच नॉट इक्वल्स एफ ऑफ एक्स 1 के. ओके, दिस इंप्लाइज टू विद एक्स नॉट इक्वल्स एक्स ऑफ एक्स द फंक्शंस इवेल्युएटेड एट टी नॉट, दैट इज वी हैव एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल्स समेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ इवेल्युएटेड एट एक्स नॉट एक्स आई, आई यहां पे सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए, एक्स आई 2 माइनस एक्स आई 1 विच इज इन फैक्ट डिफरेंशियल of f evaluated at x naught into x2 minus x1. From this one, I can easily write that we have in fact proved that f of x2 minus f of x1 divided by f of x2 minus x1 mod bhi aap le sakte hain, वैसे mod लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, equals differential of the x0 where x0 is the interior point of the x2 and x1 which is the required mean value theorem. So we have generalized the mean value theorem for the functions of several variable, or generalization mein humne observe ye kiya hai ki f dash c jo hota tha one variable mein, it has been replaced by the differential. Aur ek aur major change kiya hai ki rather than over the complete domain we have taken a line segment. On that line segment, the function of several variables is differentiable. X naught or X1 or X2 जो हमने points लिए थे आज के module में, और X1 और X2 पे function of several variables जो है ये continuous लिया था, continuous and between the line segment also, और differentiable between the line segment X1 और X2 को छोड़ के. एग्जैक्टली उसी तरह की एनालॉजी आप डिवेल्प कर सकते हैं फॉर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल में जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस किया था.